बिग बॉस के जितने प्रतिभागी रह चुके हैं, जैसे अनिकिता मौली, अर्शी खान, सेलिना जेटली, नेहा धूपिया, किम शर्मा, स्कैलेट रोज, इन लोगों से इनकी ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, जिसमें अर्शी खान को इन लोगों ने अप्रोच किया था और उससे बात हुई थी। तो वो लोग अर्शी खान को 2 लाख रुपए दे रहे थे, लेकिन अर्शी खान ने 5 लाख रुपए उन लोगों से डिमांड की थी, तो जिसकी वजह से उनका पैसों के लेन देन में बात जम नहीं पाई थी। तो इस तरह से वो काफी सारे सेलिब्रिटीज को अप्रोच कर रहे थे अपने अपने हॉट शॉट्स के लिए। उसने आपका नाम डायरेक्टली लिया कि अर्शी खान को अप्रोच किया गया था, ऐसा सब बोल रही है। रिकॉर्डिंग जब कुछ मेरे में कौन है ये सामने तेरे सामने अर्शी अगर सलमान के बारे में आप पूछते तो मैं उस पे बात करती हूं, क्योंकि सलमान को मैं जानती हूं ना, उनको जब मैं जानती हूं। आइए एक फोटो कर लेते हैं इनको, उसके बाद हां थैंक यू। सोलो करना अच्छा। सिंगल सिंगल मैम, सिंगल हुआ नहीं, सिंगल हुआ। आप सब साइड में मैम, इधर इधर यार, मैं नाखून टूट गया। कैसे? एक्चुअली मैंने ही कट कर दिया। अच्छा, टूटा थोड़ी हूँ। गोश्त खाने में दिक्कत हो रही थी। चम्मच से खाने का? नहीं, मैं चम्मच से खाने वाली नहीं इंसान हूँ ना, मैं देसी इंसान हूँ यार, मैं हाथ से ही खाती हूँ। ऑब्वियसली ना, देसी इंसान है। अर्शी खान तो पहले इसमें होस्ट कर चुकी थी, वो उसमें एंकरिंग कर चुकी थी, बट इस तरह से उनकी बातचीत चल रही थी और उनका मेन यही प्लान चल रहा था कि मंथ में या जैसे भी है इनके हॉट शॉट्स पे एक दो सेलिब्रिटीज हमेशा दिखते रहे, इस तरह से इनकी प्लानिंग चल रही थी। फरवरी में उमेश कामत जब गिरफ्तार हुआ तो इनकी प्लानिंग बंद हो गई थी, इनकी प्लानिंग खत्म हो गई थी और इनका जो जो भी प्लान चल रहा था इनके कंपनी का, वो काम बंद हो गया था। तो इस तरह से इन लोगों का सपना अधूरा रह गया।